कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी पराक्रम से पहले हर बार इसी तरह संकेत देते हैं, लिहाजा अब जो कहा है वो भी होकर रहेगा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा, बस यही सोच सोच कर वो परेशान है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के टेंशन डाइवर्ट करने के लिए एंड पुट द प्रेशर ऑन पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने कोई ऐसी बात की जिसके वजह हम ऑपरेशन करें, दे कैन गो फ्लैग ऑपरेशन। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 50 दफा बात की कि जी ये बहुत सख्त सीरियस है, हम इसको बार बार दुनिया को वार्न कर रहे हैं। और जैसे उड़ी का इंसिडेंट है, पठानकोट का इंसिडेंट, पुलवामा का इंसिडेंट है, 27 फरवरी का इंसिडेंट, दे कैन गो फॉर एनीथिंग। लगभग एक साल चली थी 1947-48 की लड़ाई। करीब 5 महीने में खत्म हुई 1965 की जंग। तेरह दिन लगे 1971 की लड़ाई का फैसला होने में। दो महीने तक चला करगिल युद्ध। लेकिन अब जंग हुई तो पाकिस्तान सरेंडर करेगा 7 या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में। हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। ऐसे में वो दशकों से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। और इस बार जंग सिर्फ सरहदों तक सिमटी नहीं।